देखने में कितनी लाजवाब लग रही है चटनी, और इसको किसी भी चीज़ के साथ, पकौड़ियों के साथ, पराठों के साथ सर्व कर सकते हैं हम। इडली बनाई, इडली के साथ सर्व कर लीजिए, फ्रिज में रखी है, हफ्तों चल जाती है। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको कोकोनट चटनी के बारे में बताने जा रही हूँ, उसकी पूरी रेसिपी। देखिए, हम लोग पहले इसमें इतना कोकोनट लेते हैं, आधा नारियल घोला है ये, 3-4 हरी मिर्च। कोई ऐसी चटनी तैयार होती है, आप इसको बना के भी रख सकते हैं कुछ दिन तक फ्रिज में, और इडली सांभर कुछ भी खाइए उसके साथ खा सकते हैं, पकौड़ियों के साथ, पराठों के साथ। इसलिए इसको हम बना रहे हैं और भूनेंगे थोड़ी चीज़ें। सबसे पहले देखिए हमने क्या किया है, ये कढ़ाई ली, उसमें एक चम्मच घी डालते हैं। सबसे पहले हम कढ़ाई तैयार कर लेते हैं, तो कढ़ाई को गर्म कर लेते हैं, उसमें एक चम्मच देसी घी डालते हैं, बस एक चम्मच सारा। देखिए अब इसमें एक बहुत छोटा चम्मच राई डाल देंगे, जब ये राई चटकने लगे। देखिए राई अच्छे से हो गई है, चटक गए पूरे। अब इसमें हम थोड़ा सा जीरा डाल देते हैं, और ये दो पिंच, ये एक पिंच के करीब हम हींग डाल देते हैं, और इसके बाद ये भी ये सब हो जाए अच्छे से। तो इसमें हम मूंगफली, ये देखिए कितनी मूंगफली डालते हैं, ये दो बड़े चम्मच मूंगफली है, ये डाल दिया। तो इनको रोस्ट कर, इसमें जो हमने ये देखिए 5 बादाम लिए हैं, इनको डाल देते हैं, इन सबको रोस्ट कर देते हैं, रोस्ट करते हैं। ये ऐसे भून रहे हैं ये, और ये चटनी बहुत टेस्टी लगती है, इसको रखने में बहुत ही फायदे होते हैं, क्योंकि कभी भी तो पकौड़ी बनाई, कुछ भी बनाई, सर्व कर लिया उसके साथ। जब हमने ये रोस्ट कर रहे हैं, तो अभी इसी के साथ हम करी पत्ते भी इसमें 8-10 पत्तियाँ डाल सकते हैं, पर अभी हमारे पास है नहीं तो हम नहीं डाली है। और इसको हम गैस बंद कर देते हैं, इसको थोड़ा ठंडा होने देते हैं। देखिए ये हमने जो इनको रोस्ट किया था, ये सब ठंडे हो गए हैं, इनको पीसते हैं ये जार में, ये ढक दिया। फिर इसमें हमने ये जो कोकोनट लिया है इसको डाल देते हैं, ये धनिया, देखिए एक गुच्छा धनिया थी, एक इंच के लगभग थोड़ी अदरक, 3-4 हरी मिर्च कटी, और ये डालते हैं। इसको थोड़ा सा बारीक काट लेते हैं, अगर आप चाहें तो इसको छिलका को छील भी सकते हैं, लेकिन और ना चाहें तो कोई बात नहीं है। और इसको ऐसे थोड़ा सा छोटे टुकड़ों में काट लेते हैं, जिसमें आसानी से पीस जाएगी। ये इसमें डाल दिया, अब इसमें हम ये एक चम्मच, ये देखिए आप नमक डाल देते हैं, ये 3 ये टेबल स्पून है, देखिए ये, तो ये 1-2 अभी 2 टेबल स्पून दही डालते हैं, पीसते हैं, फिर अगर कुछ कम ज़्यादा लगेगा तो देखते हैं। देखिए अब हम ये देख रहे हैं खोल के, तो ये थोड़ी गाढ़ी सी लग रही है, बिना पानी के पीस नहीं पा रही है, तो इसमें हम थोड़ा पानी डालते हैं, इतना कि मतलब ये आराम से पिस सके, इसको लगा के पीसते हैं। देखिए अभी ऐसे पिस गई है, पर अभी कहीं कहीं देखिए बड़े बड़े हैं, तो इसको फिर से पीसेंगे, गरी अभी रह गई पिसने को। इसमें हम आधा नींबू, अब इसमें हम आधा नींबू डालेंगे, और अब जब दोबारा फिर पीसेंगे तो सब अच्छे से मिक्स हो जाएगा। देखिए हमारी चटनी कितनी बढ़िया गाढ़ी गाढ़ी तैयार हो गई है। अब इसको हम इसमें पलट लेते हैं किसी बर्तन में, आप देख सकते हैं उतने में ये कितनी सारी चटनी बनके तैयार हुई है। और इसमें हमने 2 ही चम्मच दही डाला था, इसमें हो गया अभी, है ना। अब ये देखिए इसको अब हम ऊपर से इसका छौंका लगाएंगे, चटनी पिस के तैयार है। अब हम इसके लिए ऊपर से छौंका लगाने के लिए एक चम्मच, ये एक चम्मच घी डाल देते हैं, और इसके बाद इसमें हम देखिए हमारा घी हो गया है, इसके लिए अब हम इसमें हम ये इतनी राई ली थी हमने, बनारसी राई, ये सरसों, ये देख लीजिए हम आधा चम्मच भी काम है ज़रा की सरसों, एक 2 लाल मिर्च डाल देंगे, एक पिंच हींग, एक पिंच हींग डालेंगे, इसको चटकने देते हैं। फिर इसको जो है हम, अगर आपके पास करी पत्ते हों तो अभी भी आप करी पत्ते डाल सकते हैं, क्योंकि वो देखने में ऊपर से बहुत अच्छे भी लगेंगे, लेकिन हमारे पास हंस नहीं है इसलिए
और ये सब पूरा देखिए भुंज गया है, मिर्चे भी अच्छे से भुंज गए हैं। गैस को बंद करते हैं और इसको चटनी के ऊपर डाल देते हैं।